परम पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। सर्वप्रथम पूछा गया है, सुने हुए उपदेश को जीवन में उतारने की क्या युक्ति है, कृपया विस्तार से बताएं। सुने हुए उपदेश में एक जो उपदेश दिया जाता है वो अपना लक्ष्य या लक्ष्य का साधन और उपदेश का पत्ता जो है वो प्रामाणिक और प्रामाणिक होने का जो अपौरुषे अद्वितीय आत्मस्वरूप विज्ञान है उसके साक्षात्कार तो गुरु होना चाहिए है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ और जिस वस्तु का वो उपदेश करता है उसमें अपनी महत्व है आदर करते और इससे जो हम चाहते हैं वो मिलेगा या मिले हुए को लगा दो या तो जो हम चाहते हैं वो उससे मिलेगा उपदेश के अनुसार जीवन बनाने से या भावना करने से या विचार करने हमको वो चीज मिल जाएगी जो हमको दर्शन चाहिए और फिर तत्परता के साथ उसके अनुसार आचरण और आचरण में भी कहीं क्षेत्र नहीं होना चाहिए। कितना भी सुंदर घड़ा हो और उसमें कितनी भी बढ़िया बस्ती भरी जाए गंगा जल हो चाहे अमृत हो लेकिन यदि घड़े में क्षेत्र होगा तो वो बढ़ जाएगा। इसलिए तीन बात की लगे, एक तो वचन में श्रद्धा वक्ता में श्रद्धा और उसका जो मूल स्रोत है जहां से वो निकला उसमें श्रद्धा और उपदेश के अनुसार आचरण और निश्चित संयमेन्द्रिय ग्रामम जब हम बोलते हैं तो उसमें ग्राम उस पर ये जो शरीर में शरीर एक प्राप्ति और इसमें श्रोत्र इंद्रिय त्वचा ये सब इसमें रहता है। इस गांव में भंगी का भी निवास है और हवा का निवास है और कर्मचारी कर्म निवास है और लाल बत्ती का घोषणा करने वाला भी है सोने का यंत्र भी है सब इस शरीर रूपी गांव है सारी सामग्री इकट्ठी है लेकिन यदि ये राजा के वश में गांव नहीं है कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है तो वो क्षेत्र है घरे में क्षेत्र के समान क्षेत्र श्रद्धावान होने पर भी और उसके आचरण के लिए तत्परता होने पर भी यदि क्षेत्र रहेगा तो आप गांव युवक जैसे कच्चे घर में पानी रख दिया जाए तो वो फूट के बह जाए इस प्रकार जो निर्देश जो है ये बह जाएगा। तो आचरण करिए और उस आचरण से जो शक्ति इकट्ठी होती है वो कहीं किसी इंद्रिय के द्वारा बह सकता है ऐसा समझ लो कि एक आदमी पूजा करता है और जब भी वह करता है लेकिन उसका हाथ चोरी किए बिना नहीं है या जीव चूक बोले बिना नहीं मानती है या मंत्रेंद्रिय व्यवचार किए बिना नहीं मानती है तो वो जब से जो शक्ति इकट्ठी होगी और पूजा से जो शक्ति इकट्ठी होगी वो एक इंद्रिय क्षेत्रों से पैदा तो इसलिए सुने हुए उपदेश को धारण करने के लिए
जिसको जो बह जाने के लिए छेद है शरीर में, उनका ध्यान रखना चाहिए कि हमारे उपदेश द्वारा आया हुआ ज्ञान या शक्ति कहीं बह के तो नहीं जाती है। तो संजतेंद्रिय होना चाहिए और उपदेश के अनुसार तत्परायणता होनी चाहिए और उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा माने मिलेंगे लाभ, मिलेंगे तो वचन पर श्रद्धा, दो विषय, ज्ञान पर श्रद्धा, कर्ता पर श्रद्धा, वचन पर श्रद्धा। उस वचन के अनुसार जो उपदेश है उससे लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी, ऐसी श्रद्धा। और ऐसी श्रद्धा धारण करके आप सुने हुए उपदेश को अपने जीवन में उतार सकते हैं। उपदेश शब्द का संस्कृत में अर्थ ही होता है जो आप पाना चाहते हैं उसके पास पहुंचा दें। उप माने पास और देश माने देश, अपने लक्ष्य के पास जो देश है वहां पहुंचा जाता है। तो उपदेश को जीवन में धारण करने के लिए श्रद्धा, तत्परता और जितेंद्रियता, इन चीजों की आवश्यकता होती है। तो उनका दूसरा प्रश्न है, स्त्री के प्रति पुरुष के मन में इतना आकर्षण का भाव क्यों है, विशेषकर नव युवतियों के पुरोज के प्रति इस विकार पर क्यों कर विजय पाया जा सकता है? इस पर ऐसा है, एक तो माता पिता के कारण की बात है। ये जो पुरानिया है ना जीवन, उनके कारण का अनुसंधान करना आवश्यक नहीं है कि इन्होंने झूठ बोला तो क्यों बोला, इन्होंने बाइक में रोटी खाने से नहीं थी तो झूठे क्यों नहीं रहे, कहीं चोरी से बहुत आसानी से क्यों। तो बुराई का समर्थन करने के लिए कारण ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो बुराई है और उसको छोड़ देना चाहिए। अब ये है कि नाना नानी के संस्कार हैं, दादा दादी के संस्कार हैं, माता पिता के संस्कार हैं, पूर्व जन्म के संस्कार हैं, अपना जो संस्कार है वे लोग ऐसे हैं, तो उनका असर तो जीवन में पड़ता ही है। इसलिए प्रयास पूर्वक, वो तो कहते हैं कि मुट्ठी कस के बाद और दंतई दंतान बिचूर जोर से दबाव अपने को, और जहां बेकायदे अपनी आंख जाती हो और मन जाता हो वहां पे उसको रोकना रोकना। तो इसके लिए संस्कार बदलने की आवश्यकता है। ये जो आकर्षण होता है उसमें पाप होती है, परिणाम में नरक के दुख की प्राप्ति होगी, ये सोचना चाहिए। हमारा मन बाहर की वस्तुओं में लग जाएगा तो भीतर जो खजाना भरा है उसकी ओर से विमुख हो जाएगा। और भाई श्री विजय बाबा जी महाराज से एक ने कहा उनका स्त्री के प्रति हमारा मन में बहुत आकर्षण होता है, हमको क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पहली नजर में मारना, उसके शरीर पर जो चांस है उसको उतार कर देना, अपने मन में चार तीन युवती को देखना। अब सोचो होगा आकर्षण, आकर्षण केवल बाहरी चांस के लिए है, भीतर जो उसमें मज्जा है, मांस है, रक्त है, हड्डी है, उसके प्रति कहीं आकर्षण है। तो अविवेक से ही
अविचार से ही यह आकर्षण होता है। जिसको उन्होंने बताया था वो व्यक्ति अभी जीवित है, ईश्वर कृपा से उसकी उम्र इस समय 85-90 बरस की हो चुकी है। उसने मुझे बताया कि बाबा ने कर्णवास में उसको ऐसा बताया। अब देखो भगवान के सौंदर्य का, भगवान की सुंदरता भगवता प्रेम का ध्यान करने पर चेतस्तुम्बित चंद्रचूड चरण ध्यानावलोकन वर्तते। जो लोग पूछते हो वो हमको ध्यान में है, परंतु क्यों करके हम उस प्रवृत्ति का समर्थन नहीं करना चाहते हैं। और जो पूर्व जन्म के या इस जन्म के संस्कार हैं उनको दूर करने के लिए जो उपाय है या दबाने के लिए जो उपाय है उसको बता। चेतस्तुम्बित चंद्रचूड चरण ध्यानावलोकन वर्तते। अपने हृदय में शंकर जी की एक कर्पूर गौ लिंग मूर्ति का ध्यान करो और उस पर हर 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 गंगा जल अमृत की धारा गिर रही है, तुरंत आपका मन स्वच्छ हो जाए। हिरण कछुओं को मारने के लिए नृसिंह भगवान बड़ी क्रूरता के साथ शेर बन गए, हिरण कछुओं को मारने के लिए दौड़ रहे हैं, ये ध्यान करोगे काम भाग जाएगा और एकांत को वहां से हट जाए। शास्त्र में ऐसा बताया है कि यदि ऐसा कुछ अपनी आंखें करें तो तुरंत सूर्य की ओर देखना चाहिए, इससे उसका तुरंत प्रायश्चित हो जाता है। ऐसा धर्म शास्त्रों में कहा हुआ है। आप वैराग्य के जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन कीजिए और जो लोग सदाचारी हैं, संतेंद्रिय हैं, उनका अध्ययन कीजिए। और आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसमें ये बहुत बड़ी बाधा आ गई है, प्रतिबंध आ गया है, ऐसा समझकर उधर से अपने मन को लौटा दीजिए। एकांत है तो लोगों के बीच में चले आइए और भजन कर रहे हैं तो आंख बंद करके भजन कीजिए और नहीं तो उपनिषदों का स्वाध्याय कीजिए। वैराग्य सूचक जो ग्रंथ हैं उनको उनका अध्ययन कीजिए और जहाँ तक हो सके प्रसंग से संस्कृत होगी तो इनसे आपके मन में एक नया संस्कार, एक नया विद्या, एक नई दिशा उदय होगी और आप नारायण अपने उस दोष से बच सकेंगे जो पता नहीं इस जन्म का है कि पूर्व जन्म का है, सात प्रकार से आता है, ऐसा चरक संहिता लिखा हुआ आयुर्वेद के ग्रंथ में सात हेतु बताए हुए हैं। तो हेतुओं का अनुसंधान न करके उनके निवारण का जो उपाय है वो कीजिए। सात्विकता का दिनचर्या का विशेष प्रबंध करना पड़ेगा। ये जितनी बातें मैंने बताया वो सब सात्विक दिनचर्या, वो सब की सब सात्विक दिनचर्या है। सत्पुरुषों में रहना, सत्ग्रंथों का पाठ करना, सद्विवेक करना, भगवान का ध्यान पूजा करना, ये सब की सब सात्विक दिनचर्या है। महिला का खान पान, उसकी पहचान, उसका जन्मजात की आजकल की जो संसर्गजन जीवन है वो तो उसके लिए घोर राशि शांति धक्का दे रहा है। तो सब लोग वृंदावन में तो आकर ही रहे, वो बम्बई में भी रहेंगे, वृंदावन में बम्बई में भी रहेंगे, कलकत्ते में भी रहेंगे, उनको सड़क पर भी चलना पड़ेगा। लेकिन सात्विक आहार जो था सात्विका ने वो सेवे का प्रमाण तत्व विवृत्ति तत्वों की वृद्धि के लिए सात्विक पदार्थों का सेवन करना ये भागदारी में चाहता है।
कोई देश का संस्कार संस्कार ये सब जो उसमें सत्य गुण हेतु करके वर्णन किया गया है उनका सेवन करना चाहिए। और बाबा विवेकी के लिए तो एक क्षण भी ये बातें सीखने वाली नहीं है। आप बन जाइए बालक और अपनी माँ का दूध पीने लगे आपकी दृष्टि कहाँ जाएगी। देखो ये सब मन का खेल है। जे नहीं वालेंगे से कांता रे नहीं वालेंगे से सुता। जो अपनी पत्नी को हृदय से लगाता है वही अपनी बेटी को भी हृदय से लगाता है। लेकिन ये तो मन का चक्कर है। तो धीरे धीरे विवेक बुद्धि से भगवान का ध्यान करके अपने मन की जो भावनाएं हैं उनको शांत करना चाहिए। और यदि बहुत दुख देती हो तो बाबा व्याप कर व्यवस्था हो जाएगी। व्यवस्था हो जाएगी माने हजार हजार हो कितने की जगह एक जगह सब व्यवस्थित हो जाएगा मर्यादित हो जाएगा और आपका दोष मिट जाएगा। भगवान आजकल लक्ष्मी बेईमानों के घर क्यों रहने लगी। जब उसने देखा लक्ष्मी ने कि आपके हृदय में बेईमान ही बेईमान बच गए हैं तब उसने आपके हृदय में रहना छोड़कर आउनी घर में जाकर रहना छोड़कर आप बेईमानों का चिंतन छोड़ के नारायण का चिंतन कीजिए। तो जहाँ नारायण का चिंतन होगा वहाँ लक्ष्मी अपने आप ही आ गई। आप तो नारायण को छोड़कर बेईमानों के चिंतन में लगे हैं तो लक्ष्मी आपके घर में कहाँ से आ गई। दरिद्र आई तो दरिद्र। इसलिए जिनके हृदय में बेईमानों का ज्यादा चिंतन है उनके हृदय में आने से लक्ष्मी परहेज करती है और जिनके हृदय में नारायण का चिंतन है वो तो घूमती फिरती है महाराज कि हमको कहीं नारायण कहीं भी नारायण मिल जाए तो हम उसी के घर में जाके बैठे। इसलिए आप बेईमानों को मत देखिए नारायण को देखिए आपके घर में भी लक्ष्मी आ गई। तो सज्जय श्री स्वामी जी शास्त्रों में राम नाम की महिमा जितना वर्णित है उतना प्रत्यक्ष दिखने में नहीं आता इसका कारण क्या है। मैं 20 वर्ष से चलते फिरते उठते बैठते मन ही मन राम नाम लेता रहता हूँ लेकिन फिर भी विकारों से छुटकारा न मिल सका है तो फिर लाभ क्या और क्या करूँ। अच्छा प्रश्न तो बहुत उसमें कोई संदेह नहीं लेकिन आप अपनी ओर देखते हैं जिसके नाम का जप करते हो उसकी ओर नहीं देखते। आप नोट कर लीजिए इस बात को विकार आपके मन में कब आया जब आपने शरीर की ओर देखा भगवान को। एक देश ने हमसे पूछा कि स्वामी जी कभी कभी आपको मेरी याद तो आती है। मैंने कहा हाँ से शादी तो है पर उस समय जब भगवान हो जाता है तो काम हमें कब आता है जब भगवान को भूलकर अपनी की याद कर रहे और क्रोध मन में कब आता है जब भगवान को भूलकर दुश्मन की याद कर और लोग मन में कब आता है जब भगवान को भूलकर हम धन की याद करते हैं। वो मन में कब आता है जब हम भगवान को भूलकर कुटुंब की याद करते हैं। आप ये देखो कि आप नाम को तो रखते हो जीव पर उसको तो कर दिया बाहर और भीतर बता दिया कामिनी कंचन शत्रु परिवार। तो नाम ने देखो आपको किया क्या देखते हो आप जितनी देर तक नाम लेंगे किसी को गाली तो नहीं देंगे गाली छुड़ाई का नहीं नाम है। जहाँ आपने नाम को रखा है कितने समय तक आप नाम लेते हैं आप दूसरे की निंदा तो नहीं करते हैं नहीं जाता जीव पर तो राम है
उस पर झूठ कहाँ से आएगा, उस पर धंधा कहाँ से आएगी। तो जहाँ विकार है वहाँ भगवान को ले चलिए, भगवान के नाम को वहाँ ले चलिए जहाँ विकार है, भगवान के नाम के वहाँ पहुँचते ही और विकार वहाँ सब के सब भाग जाएंगे। विकार को आप भीतर भगवान के नाम को नहीं ले जा रहे हैं इसलिए आते हैं, और विकार नाम से पापक क्षय होता है उसको बात सही है, क्योंकि आपने पाप अपनी आंख से तो देखे नहीं है, शास्त्र से सुने हैं कि पाप हो, और यदि शास्त्र बताता है कि नाम लेने से पापों का नाश हो गया तो पापों का नाश हो गया, आप मान लीजिए कि पापों का नाश हो गया, अब इस जीवन में विकार छूटते नहीं है, परंतु मरने के बाद नाम आपको फल देगा, भगवत प्राप्ति होगी, अंत में आपको भगवान के पास जाना पड़ेगा और भगवान पूछेंगे कि क्यों भाई तुम नाम तो ले रहे थे हमारा है और मन में विकारों को पाल रहे थे है? तो आपको बड़ी शर्म आएगी, कैसे मुंह दिखा रहे हैं। इसलिए पापों के नाश पर तो आप विश्वास कीजिए, जिस शास्त्र से नाम पर विश्वास प्राप्त है उसी शास्त्र से पाप का विनाश भी प्राप्त है, इसलिए पूरी श्रद्धा के साथ नाम का जप कीजिए और अपने पापों के नाश पर विश्वास कीजिए, और जहाँ आपके चित्त में दोष है वहीं ले जाकर नाम को रख दीजिए, तुरंत आपके दोष मिट जाएंगे, आप कोई चिंता मत कीजिए। सो गए निंद्रा तक योगी, सोई हरि पद अनुभव परम सुख अक्षय द्वैत योगी, शोक मोह भय हरत दिवस निस देश काल का नाही, तुलसी दास या दताहीन संशय निर्मूल न ज्ञान, या दताहीन संशय निर्मूल न ज्ञान। श्री महाराज क्या बताऊं, आप तो मुखार बिंदु, ये दृश्य को उधर मेरे कैसे मिला जाए, क्या पद्धति है उसकी, ये सब प्रकार का शरीर में आकाश है कि आकाश में शरीर है कि शरीर में आकाश, आकाश तो बड़ा भारी है, उसमें हवा घूमती है, उसमें वही आकाश अपने शरीर में है ना, उस आकाश को तुम अपना शरीर मानो, आकाश को तनवो तनवो महाभूत शिव, आकाश को तनवो तनवो महाभूत तस्मिन् कदे विगत चित्त लगा मनते, महात्मा असल में शरीर धारी नहीं, आकाश ही उसका शरीर है। महाराज तीन लोग होगा तो कहाँ होगा, आकाश के भीतर ही तो होगा ना, तीनों लोग जो है वो आकाश के भीतर है, तो हमारा उधर क्या है आकाश, और उसमें तीनों लोग उसी में दिखाई पड़ते हैं, और नींद तो हमारे पास तक कभी पहुंचती नहीं, साक्षात सोमाने प्रपंच का जो दर्शन है वो मिल गया। अब वो कहा है कि सचमुच भगवत पद का अनुभव वही कर रहा है, भगवत पद क्या है, भगवान के भी चार पाद, तो हरिपद का अर्थ वही है चतुर्थ पाद जो भगवान करता है, और अतिशय द्वैत भी होगी हो गई तभी जब तुरीय तत्व में क्योंकि सभी मनुष्य अपने को तुरीय तत्व अनुभव करेगा और आकाश आदि प्रपंच को अपने अंदर कल्पित मानेगा, तो जैसे स्वप्न में कल्पित त्रिलोकी स्वप्न दृष्टा के मन में रहती है उसी प्रकार
जो अपने स्वरूप का अनुभव करने वाला है उसके पेट में उसके घर में ये सारी की सारी सृष्टि रहती है, अपने आत्मा के बाहर उसकी सोई पदा अनुभव परम सुख आपके द्वित योग शोक मोह भय अर्थ दिवस निश देश काल पाना देखो तो वहाँ दिन है रात है देश नहीं है काल नहीं है शोक मोह नहीं है ऐसा लोग पद है देखो देश काल नहीं होने से कालातीत हो गया देशातीत कालातीत और यदि कोई सगिन संबंधी वहाँ होते जन्म मरण होता तो शोक मोह भी जरूर होता सभी वहाँ सूरत बिरहड़िया छाई निज देश जहाँ सूरत जहाँ मूरत पूरन धनी दिने सूरत बिरहड़िया छाई निज देश अपने स्वरूप में स्थित हो गए वहाँ क्या देश वहाँ क्या का वहाँ कहाँ जन्म मरण वहाँ कहाँ शोक मोह वहाँ कहाँ सुख दुख पर ये है जब तक हम अपने को और शरीर के शरीर आधार है और हम उसमें एक दीपक के लौ की तरह प्रतिमा रहे हैं या एक घूंट पानी की तरह रखे हुए हैं या मिट्टी के एक कण हैं है? या हवा का एक धोखा जो आता जाता है सांस वो है या नाक कान आंख में जो अवकाश है सो है जब तक ये सब अपने को मानते रहेंगे ना मन वाले बुद्धि वाले ये जब तक वाले रहोगे भाई दारू वाले देश वाले तब तक अपने पद का अनुभव असल में ये दुनिया दिखती ही देह में मैं तब आंख देह में तुम बैठ जाओ तो आंख रूप बताएगी गंध बता रहेगी स्वाद बता रहेगी तथा स्पर्श बता रहेगी सारी दुनिया दिख जाएगी और इस देह को पट्टे खाते में डाल दो। अब देखो तुम्हें दुनिया कहाँ दिखती है न शब्द न स्पर्श न रूप न रस न धरती न पानी न तेज न हवा न आसमान ये मान बुद्धि सब इसी शरीर में तो जो देश भर के बैठा है इस कूड़े में जो बैठा है उसी को ये शरीर ये सारी दुनिया मालूम ही पड़ती है। एक एक बार किसी महात्मा ने पूछा कि वही कोने में प्रमाण क्या है आठ है नाक है शीत है अरे भाई ये तो सब तो सही है ना द्वैत में द्वैत प्रमाण कैसे होगा जरा द्वैत को प्रमाणित करने के लिए कोई द्वैत से अलग कोई चीज ले आओ तब ना और द्वैत से अलग कोई चीज होगी तो पहले से अलग है कि वही है वही है तो आत्माश्रय दोष हो जाए और दो अन्यों ने आश्रय हो जाए ठीक है हमारी बात तो थक गई लेकिन अद्वैत में क्या प्रमाण है सो बताओ अद्वैत में अद्वैत प्रमाण है तो वही वही दोष वही लंगी तुमको लगी है और अद्वैत में द्वैत प्रमाण है तो द्वैत से सही हो गया तो बोले कि देखो हमारे प्रमाण प्रमेय का व्यवहार जो है वो मिथ्या होने पर भी अद्वैत को सिद्ध करता है न होने पर भी द्वैत मिथ्या है लेकिन अद्वैत को सिद्ध करने के लिए तो है ही है उसी से अद्वैत सिद्ध होता है। जैसे शाखा चंद्र न्याय है अब वो कहाँ पेड़ और कहाँ चंद्रमा और कहाँ दो आग की दूरी तो मिथ्या होके ही शाखा चंद्र असली चंद्रमा का दिखाने वाला होता है। इसलिए भाई मेरे मिथ्या द्वैत
और द्वैत को सिद्ध करने में समर्थ है। और जहाँ द्वैत का बोध हुआ वो तो भान भान तो बड़ा वैज्ञानिक की दृष्टि से ही भान होता है, तत्व दृष्टि से भान थोड़े होता है। भले तत्व दृष्टि से तत्वज्ञ है, तत्वज्ञ को भान होता है, अज्ञ दृष्टि से तत्वज्ञ और है ना, और अज्ञ की दृष्टि से जो तत्वज्ञ है उसको प्रपंच का भान होता है, स्वदृष्टि से जो तत्वज्ञ है उसको तो भान मात्र ही है, प्रपंच में विषयता है ही नहीं। इसलिए ये तीनों लोग मत्स्थान सर्वभूतान सारे किसमें है कपोज में है, ये उधर में भी होंगे और अतिशय द्वैत योगी कौन होगा, न तो मत्स्थान भूता नहीं कोई भूत नहीं है, तो क्या नाम है एक महात्मा समाधान में बैठा हुआ था, तो साधु लोग पहले समाधान में बैठते थे, वो महाराज वहाँ क्या देखता है कि बहुत ही भूत इकट्ठे हैं, बुरत लग रहे और क्या हो रहा है और गीत गाए जा रहे हैं, अरे ये क्या है बाबा जी, किसी ने पूछा भूत आ गए, अरे भूत नहीं आए भाई, ये तो हमारे शिव जी का महाश्मशान देख रहा है, ये महाश्मशान ही है जिसमें ये इतनी बड़ी दुनिया दिखती है। अच्छा भरत जी का प्रश्न हो गया, सुख दुख से समय कृतवा लाभा लाभ गया दे ततो दुख आए जो जस्व एवं पापम ये सज्जन पूछ रहे हैं मन की ऐसी स्थिति कैसे बनाई जाती है कृपा से। देखो बनाओ को बिगड़ जाती, इसलिए सच्ची स्थिति ही यही है कि सब सब ये एक सच्चाई है, ये बनाई हुई है, निर्दोषम ही समझ ब्रह्मा तस्मात ब्रह्म यही वो तैयित स्तर को देशाम सामने स्थित मना, अपने मन में अपने मन को सबता में स्थित करो, पर सबता वस्तु स्थिति है, असल में सबत ही है। आप सब की आगे को आप मूछ दाढ़ी इसलिए मूछ इसलिए बना दी है, नाक का बलबम बना जा है, और दाढ़ी इसलिए बना दी कि खाते समय वो कपड़े पर का नकल बगल बना दी, और आगे को बनाई हो पीछे को नहीं, पीछे नहीं चल रहा आगे चल रहा है, इसलिए आग आगे को देखो मिट्टी पानी हवा आसमान सब समान, गर्मी सर्दी सब। अब आगे की हम बात सुना में मन भी सब उसमें भी संकल्प विकल्प सबके बुद्धि में विचार सबके हुए, अहंकृति जो है वो जब तक अज्ञान है तब तक ब्रह्म पर्यंत की ही आकृति है, ब्रह्म पर्यंत की भी आकृति होती है, जब तक अज्ञान है तब तक चाहे हजार बार से वो है अज्ञान का ही। तो असल में समता ही समता है, श्री कृष्ण भगवान को तो समता भी होती है। देखो क्या ऐसी बात सुनने को कहा किस मजा बन सुहृद मित्रा उदासीन मध्यस्थ देश के बंधुसु साधु शोभित पातुसु समबुद्धि शिष्य। कौन मजहबी आदमी, कौन मजहबी आदमी समबुद्धि सुहृद मित्र हमारा भला चाहने वाला हमसे स्नेह करने वाला
हरि से शत्रुता करने वाला, उदासीन रहने वाला, मध्यस्थ करने वाला, द्वेष करने जो भाई बंधु, साधु पापी करने दो सबको अपनी बुद्धि में विषमता। देखो दो ही दृष्टि है, तीन है तो सब परमात्मा, सब ज्यों का त्यों परमात्मा, सर्वं की उपासना हो गई, ज्यों का त्यों परमात्मा ये उपासना, तजला शांत उपासी से सृष्टि स्थिति खुले सब में परमात्मा शांत हो जा रहा और परमात्मा में स्थित हो जा रहा और या तो है तो सब आत्मा। तत्व ज्ञान की दृष्टि से सब अपना आत्मा है, सब बाहित है और आत्मा अद्वितीय है और उपासना की दृष्टि सृष्टि स्थिति प्रलय का हेतु सब प्राप्त है। तो चाहे उपासना हो चाहे ज्ञान, सब तो होने के लिए विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण रवि हस्तिनी सुनी चाहिए स्वभाग्य पंडिता यही बताइए। और देखो क्या नारायण है, न द्वेष के कुशल कर कुशले नारायण, इस बात को भूलेगा न द्वेष के कुशल कर्मा कुशले नार सकते थे। ये तो बुझा जिसको परमात्मा का अनुभव न हो, चोर के रूप में जो कृष्ण को पहचान लेते और छेड़छाड़ करने वाले के रूप में भी जो कृष्ण को पहचान लेते हैं, युद्ध भूमि से भागने वाले के रूप में भी कृष्ण को पहचान लेता है और बाण लगने पर शरीर छोड़ने वाले को भी जो परमात्मा के रूप में पहचान लेता है और जो दो बाप वाले को भी परमात्मा के रूप में पहचान दो माँ वाले को भी परमात्मा के रूप में पहचान लेता है। अरे भाई मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय, भाई सर्वगतं लोकं सूत्रे मुनि गणाय, मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति भगवान की उपमा करो। क्या प्रश्न क्या था, सुख दुख के समय कृत्य अपना दिन तो दिन रात को सो जाता है, जैसे आकाश में कभी बादल आते हैं कभी आंधी चलती है, कभी गर्मी बढ़ती है कभी सर्दी बढ़ती है कभी धूल होती है, लेकिन आकाश आकाश नहीं है, सु और दुख खा ही है, ख माने हृदय कम ब्रह्म खा ब्रह्म, ये जो हृदयाकाश है धारा कुंडली कम में ये है ख, ये होता है कभी सु और कभी दुख और ख दोनों में सु और दुख दोनों में एक ही ख है, इसी से खात्मा शब्द भी बनता है, प्रपंच का खात्मा आत्मा स्वरूप खात्मा अतिशय न खात्मा प्रपंच खत्म हो गया, खत्म हो गया प्रपंच का खात्मा हो गया, अब चाहे सूर्य है चाहे दूर है लाभ लाभ हो जया जय। देखो जी अपने जीवन में क्या फर्क पड़ता है, इतना लेते हैं इतना देते हैं उनको ज्यों के समझते हैं, जैसे पैदा हुए थे ना नंगे वैसे ही नंगे जाना पड़ेगा, लेके नहीं जाओगे न लाभ है न हानि है जय राजे है, बस सुख दुख के समय कृत्वाला अजय तथो युद्ध आए हो, युद्ध के संकल्प से आए हो, युद्ध के संकल्प से आए हो, संकल्प तुम्हारा युद्ध हम तो सो रहे थे और जाके तुम पांव के पास बैठ गए और उठने पर तुमने कहा कि चलो हमारे साथ, हमको सेना नहीं चाहिए, हमको सत्र नहीं चाहिए, हमको
उनको लाके तुमने युद्ध भूमि में खड़ा कर दिया, घोड़ों की बागडोर पकड़वा दी, और अब तुम कहते हो कि हम युद्ध नहीं करते हैं, हम गवाही देने के लिए तुम्हारे पक्ष में तैयार हो गए, सलाह देने के लिए तैयार हो गए, और तुम्हारी बदनामी करवा रहे हो ना कि हम मूर्ख थे जो तुम्हारा साथी बनने को आए। इसलिए अपनी जो पहली प्रवृत्ति है, पहला संकल्प है, उसके अनुसार कर, हम तुम्हें नए सिरे से युद्ध करने के लिए नहीं कहते, तुम्हारी जो पूर्व प्रवृत्ति है उसके अनुसार युद्ध करो, नैव पापमुहासे भी पाप नहीं मिलेगा तुमको। धर्म आदि युद्धा श्रेय क्षत्रिय नवेद्यते, बल्कि तुम्हें श्रेय प्राप्त होगा, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, धर्म तुम्हारा कर्तव्य है। अब यह धर्मम धर्म में जान मानते समता विरता महाराज, ये सब छोटी छोटी बातों को तो भगवान ने बड़ा साहस बताया, आप ध्यान में रखना इस बात को। यद को कृष्णव देखिए सकता अतत्वार्थव दलपन चाहता, ये तो छोटे छोटे कार्य में आ सकते हैं। आपकी आसक्ति कार्य में है कि कारण में है, कि कार्य कारणातीत में है, परोक्ष है अथवा साक्षात अपरोक्ष कार्य कारणातीत। कार्य कारणातीत दो है, कौन? एक परोक्ष रूप से कल्पित और एक साक्षात अपरोक्ष रूप से अपना आत्मा, फिर परोक्ष परोक्ष नहीं रह जाता, अपना स्वरूप ही रह जाता है। जब तो कृष्ण कार्य सक्षम अहितुकम अतत्वात्मकल तो तामस ज्ञान है, ज्ञान का राजस रूप क्या है, पृथक न तो जज ज्ञान जज ज्ञान नाना भवान पृथक विधान वेद, अनेकता का जो ज्ञान है, वेद का जो ज्ञान है वो राजस ज्ञान है। ज्ञान का क्या करोगे? सर्वभूतेषु जे नैकं भावमप्येम क्षते अविभक्तं विभक्तेषु तद् ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। अभेद ज्ञान ही सात्विक ज्ञान है, नारायण एकत्व न तु। तो आप अपने ज्ञान को तामस मत रखें, को इंद्रियों को मन को बुद्धि को अहम को बात करने के हम साक्षी दृष्टा है, ज्ञाता है, जो विभाग जो बचा जो उसका बात कैसे किया जाए, क्या कर सकती है, क्योंकि शरीर इंद्रिय मन बुद्धि अहम इसकी दृष्टा में है, तो दृष्टि में ये है, अब इनका बात कैसे किया जाए जो अद्वैत तत्व की प्राप्ति हो। जी हाँ, कितना बड़ा है उसकी उम्र कितनी है, विचार करो जैसे थाली में पानी होता है, वैसे दृष्टा क्या शरीर में रहता है, शरीर में न सही धरती में कहे प्रकृति में न सही आकाश में सही, आकाश में न सही प्रकृति में सही, इस दृष्टा का अधिकरण आधार क्या है, जैसे खाली में पानी रहता है वैसे ये दृष्टा किस चीज में रहता है उसका विचार करो, और दृष्टा की उम्र कितनी है ये विचार करो, अच्छा दृष्टा का वजन कितना है ये विचार करो, अच्छा और दो दृष्टा है कि नहीं ये विचार करो, और दृष्टा से अलग ईश्वर है कि नहीं ये विचार करो। देखो कितने प्रश्न आ गए, और इन प्रश्नों का जब उत्तर मिलेगा तब ये होगा दृष्टा जो है वो ब्रह्म को जानने के लिए एक आधार के रूप में पहले कल्पित किया गया था। जब हम देखोगे ये ब्रह्म की उम्र अनंत ब्रह्म में दृष्टा बना तो दे इंद्रियों की अपेक्षा से ऐसे ही ये वजनदार जो पदार्थ होते हैं वो सब दृश्य,
देखो ये शास्त्रार्थ जितना है वो सब वाक्यार्थ का विचार कैसे करना चाहिए, तत्वमसी आदि के द्वारा कैसे दृष्टा का ब्रह्म होना सिद्ध होता है। वाक्यार्थ का विचार करने के लिए शास्त्रार्थ, असल में अपना स्वरूप जो है वो तो देश का साक्षी, इसलिए देश से संबंध नहीं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की जो कल्पना है कल्पना ही है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है नहीं, काल का आदि है नहीं, काल नहीं, काल की कल्पना, ऐसी दृश्य वस्तु है नहीं, बस दृश्य वस्तु की कल्पना, और उस कल्पना वाले अंतकरण जो चेतन साक्षी है वही उसका अधिष्ठान है, जिसलिए अंतकरण जहां है वहां तो अंतक, उसमें तो अंतकरण है ही नहीं है। तो बात कैसे होगा, तो दृष्टा का जो स्वरूप है वो ब्रह्म से अभिन्न है, तो उसकी पृथकता का बात होगा, दृष्टा का बात नहीं होगा, कूटस्थ और ब्रह्म का तो समानाधिकरण मुख्य है, और अंतकरण और अंतकरण में भासमान जो पदार्थ है उनका ब्रह्म से एकता बात समानाधिकरण है, सर्वम ब्रह्म ये भी ठीक है और अहम ब्रह्म ये भी ठीक है, अहम का अर्थ जहाँ कुटस्थ है वहाँ वास्तविक ब्रह्म है, और नारायण अहंकार जहाँ अभाव है वहाँ कल्पित ब्रह्म है। इसलिए ये जो दृष्टा दर्शन दृश्य है ये विवेकी पुरुष के लिए दृश्य से मुक्त होने के लिए बचने के लिए ये बीच में दृष्टा का एक खंभा गड़ा हुआ है, जब दृश्य नहीं होता है तब दृष्टा ब्रह्म से तक नहीं रहता है, असल में दृष्टा ही ब्रह्म है, कब जब दृश्य का भाव हो गया, देख लिया कि ब्रह्म के स्वरूप में अपने स्वरूप में दृश्य नाम की वस्तु नहीं है। अब जिस दृष्टा में तुम भेद सिद्ध करते हो उस दृष्टा को देख पाने के भेद किसको देखता है, वैसे भेद किसको देखता, तो जिसको ये भेद दिखता है उसको तुमने देखा कि नहीं देखा, अगर नहीं देखा तो तुम अज्ञानी रहा, और देखा तो अपने रूप में देखा कि अन्य रूप में देखा, अन्य रूप में देखा तो दृश्य है मिथ्या है, और स्वस्वरूप रूप से जब देखा तब तो देश काल वस्तु कोई भेद तुम्हारा स्पर्श करता ही नहीं है, इसलिए ये दृष्टा जो है ये तो योग में भी है सांख्य में भी है और वेदांत में भी है, पर योग और सांख्य का जो दृष्टा है वो थोड़ी देर के लिए शुद्ध दृष्टा रहता है और बाकी समय में वो वृत्ति से भेद होकर के साधारण दृष्टा हो जाता है, लेकिन वेदांत में जब प्रकृति और योग ये सब के सब अद्वितीय आत्मतत्व में पावित हो जाते हैं, माने अपने अत्यंत भाव के अधिष्ठान में ये भाज रहे हैं, तो इनको भाजने दो, दृष्टा तो ब्रह्म ही है, इसलिए मारने जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, परंतु इनका जो दृष्टा जो अनेक मालूम पड़ते हैं, दृश्य जो सच्चा मालूम पड़ता है, ईश्वर जो अपने से अलग मालूम पड़ता है, के विचार के द्वारा इनको मिटा देने पर दृष्टा दृश्य की कल्पना भी नहीं है, ये वेदांत का प्रकार। महाराज श्री, मानसिक पूजा किस प्रकार की की जाती है, क्या इसे सब कर सकते हैं और इसका महत्व क्या है बताने की कृपा करें, प्रश्नकर्ता कृष्णा देवी। कुछ तो आलसी लोग होते हैं, चंदन न लगे, अक्षत न लगे, हाथ पांव से परिक्रमा न करनी पड़े, हाथ से पूजा न करनी पड़े, और हम मानसी पूजा कर लें और हमारा काम बन जाए, तो ऐसी आलसी लोगों के लिए तो मानसी पूजा
बिल्कुल थोड़ा चंदन लगाओ, थोड़ा अक्षत तो बहुत बढ़िया चीज है पूजा। पूजा का मतलब यह है कि पृथ्वी का सार है गंध, तो गंध का जो पृथ्वी का जो सार सार गंध है वो भगवान को समर्पित करना है। माने पृथ्वी में जितना भी गंध है वो गुलाब में हो, चमेली में हो, माटी में हो, कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, वो असल में परमात्मा का है। उन्हीं की सत्ता से है, उन्हीं की प्रकार से है, उन्हीं के अधिष्ठान से है। तो समग्र गंध ही भगवान को अर्पित कर दो, एक साथ बेला गुलाब सब भगवान को अर्पित हो जाएगा। और जितना रस है, और चाहे वो नींबू में हो, चाहे आम में हो, चाहे इमली में हो, चाहे दाल चावल में हो, चाहे हलवा पूरी में हो, जितना भी रस है वो बाकी के भेद से जल का सार है। तो रसो अपसु कहते पुण्य करता प्रतिव्यान तेजस विभाव सब। तो नारायण समग्र रस भगवान का है, भगवान से भावना है। इसको जो दूसरे लोग समझते हैं कि मेरा है, मैं समझता हूँ कि मेरा है, कहिए बात बिल्कुल झूठी है। जिसकी पृथ्वी है उसकी गंध है, जिसका जल है उसका रस है। और जितने भी रूप हैं महाराज, चाहे वो सोने का हो, चाहे सूर्य का हो, चाहे चंद्रमा का हो, चाहे रंगीन हो और चाहे बेरंग का हो, जितना भी रूप है वो सब तेज का, तेज का सार रूप है। तो जिस रूप तन्मात्रा से तेज मात्रा है वो तो भगवान का ही है। तो उसको बेरा समझना, उसको तेरा समझना, ये भूल है। वो भगवान को समर्पित करना माने तेज तत्व का जो सार है, जिस तन मात्रा से तेज पैदा हुआ है, जिस तन मात्रा से जल पैदा हुआ है, जिस तन मात्रा से पृथ्वी पैदा हुई है, वो जो नारायण रूप रस गंध है ये भगवान में है, भगवान के हैं, भगवान में लीन होते हैं, ये किसी दूसरे के भी नहीं है और मेरे में है। अब वायु में क्या है, स्पर्श, चाहे पंखा से निकले, चाहे सांस से निकले और चाहे पंखे से निकले, हवा चलती हो, इसका सार है स्पर्श। स्पर्श कर मात्रा से वायु पैदा होता है। तो उस वायु का स्पर्श तन्मात्रा को भगवान की समझना, मेरी नहीं, तेरी नहीं और किसी की नहीं। देखो जो महमा गंध माख रही है भगवान की गंध है। एक गद्दी बाबा थे बनारस में, तो वो लोगों को भगवान के अंग की गंध प्रकट करते थे अपने चमत्कार से। तो अरे ऐसी गंध तो कभी सूखी नहीं पाई, ऐसा स्पर्श तो कभी मालूम नहीं हुआ, ऐसा रस तो कभी आया नहीं। तो ये है किसका, आकाश की मात्रा है शब्द। तो देखो होता क्या है, हम चंदन धूप बत्ती लगाते हैं भगवान को, नाना प्रकार के स्नान आदि कराते हैं, भोग लगाते हैं भगवान को, शीशा दिखाते हैं भगवान को, श्रृंगार करते हैं भगवान का, पंखा चलते हैं भगवान को, अपने प्राणों को अर्पण करते हैं भगवान को, घंटा बजाते हैं भगवान के लिए, स्तुति करते हैं भगवान का। तो ये क्या है कि पहले आप बाहर ठीक ठीक पूजा करना सीख लीजिए, पंचोपचार सीख लीजिए, दसोपचार सीख लीजिए, षोडशोपचार सीख लीजिए, अष्टादशोपचार सीख लीजिए, एक बिंद
सत्य उपचार सीख लीजिए या चतुष्षष्ठी उपचार सीख लीजिए, राजोपचार महाराजोपचार जाके बड़े बड़े दिए तो पहले जिस बात जिसको बाहर पूजा करने ठीक ठीक अनुगम हो जाता है वो आप बंद कर, वो आप बंद करके जब मानसिक सेवा करता है तब उसकी ठीक ठीक होती है, और नहीं तो सपने की तरह एक बार कोई ख्याल आया फिर चला गया फिर ख्याल आया फिर चला गया। नारायण भगवान की मानसिक सेवा पहले बाहरी सेवा जो है विद्या सेवा अनुजा सेवा, जब ये दोनों बल्लभाचार्य जब ये दोनों पूरी हो लेती है तब मानसिक सेवा बिल्कुल पक्की होती है। एक एक सज्जन थे महाराज जो भगवान को मन में कड़ी भात का भोग लगाया था और किसी ने टोक दिया तो शायद वहाँ कड़ी जो है गिर पड़ी, अरे यहाँ तो कड़ी कहाँ से आ गई, हम तो मन में भगवान को कड़ी का भोग लगा रहे थे तो कड़ी आ गई। तो मन की भावना जब पक्की होती है तो ये जैसे स्थूल सृष्टि जैसे सपना में मन ही तो लड्डू बन के खाने के लिए आता है और वही तो पत्नी बन के प्रेम करने के लिए आता है, इसी प्रकार जब हम जागृत में हमारे मन की भावना पक्की हो जाती है तो स्वप्न सृष्टि के समान, बल्कि अवच्छेदवादी तो बोलते हैं ये सब अवच्छिन्न जो चैतन्य है वो तो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, न नरक में न स्वर्ग में न पुनर्जन्म में न वैकुंठ में, परंतु अंतःकरण में उपाधि में अवच्छेदक में जैसी जैसी भावना होती है उसको वैसा वैसा अनुभव होता रहता है। अवच्छिन्न जो चैतन्य है उसमें तो देश सही नहीं उसका आना जाना होता नहीं, और अंतःकरण जो है वो देश का कल्पक है काल का कल्पक है वस्तु का कल्पक है और बिल्कुल स्वप्न के समान जन्मांतर हो जाता है। बाकी उसमें भी ये बात बहुत साफ है, स्वप्ने यथा पश्यति देहविदृश मनोरथे नाभिनिविष्टे, स्वप्ने स्वप्नांतरण यथा। तो इस तरह से भगवान की जो मानसिक सेवा है उसको पहले भगवान की सेवा करके मूर्ति की सेवा करके सीखो, क्योंकि मूर्ति की सेवा करने में असावधानी भी यदि हो जाएगी तो मूर्ति को ज्यादा होगी, तुम्हारा तो बात होगा वो बात दूसरी है पर मूर्ति नाराज नहीं होती है। और कभी धूप बत्ती गिर गए और कभी दीपक बुझ गया और कभी देवता को भोग लगा और फिर मुंह फोट दिया अपने हाथ से और उसके बाद फिर भोग में हाथ लगा दिया, नाक में हाथ लगाया आंख में हाथ लगाया, तो ये सब जो है वो सावधानी जो है ना। और प्रसाद देवी उनको तो उसका बहुत अनुभव है, हमारे पास आके लोग जब पास बोलने लगते हैं तो उनके असामर्थ जो है वो हमारे चित्री पर पढ़ते हैं बोला, और ये रोटी सामने रखे और बात करने लगे तो पटापट उनका खून गिर जाता है, तो वो तो मूर्ख लोग हैं समझते नहीं है। लेकिन ये सब जिसको जागृत काल में ही पूजा करने में सावधानी नहीं है, धूप देके हाथ धोना दीपक जलाना दीपक दिखा के फिर हाथ धोना तब नहीं नैवेद्य का स्पर्श करना, तो जिसको जागृत अवस्था में ही अप्रमाद सावधानी नहीं है वो मानसी सेवा नहीं कर सकता। इसलिए आलसी लोग जो मानसी मानसी करके शरीर को परिश्रम से बचाते हैं, जो लोग जाए ना गीता में कायक क्लेश भया कायक क्लेश भय से जो करते हैं वो तो मानसी सेवा नहीं है। अपने मन देखो पहले वृंदावन धाम है उसमें कदम्ब कुंज है लताओं से परिवेश थे उसमें हमने अपने हाथ
व्याकुल हुआ, भगवान से प्रार्थना की, रोए, तब कहीं भगवान के शरीर की गंध आ गई, तब कहीं उनकी बंसी की ध्वनि आ गई, तब कहीं पांव की झुनझुन आ गई, हैं, कभी चमक आ गई, अरे आ गए भगवान, आ गए भगवान, हमने उनका पांव छुया, उन्होंने हमारे सिर पे हाथ रखा, अब हम उनके हर घर पास है, पांव छूते हैं उनका, भाग्य हो गया, जैसे मेहमान घर में कोई बड़ा आता है, हाथ बुलाया तो आगे हो गया, मुंह बुलाया तो आसमन हो गया, उनके लिए मानसिक पूजा में स्नान की बहुत विधि नहीं है, समाचार जो ज्योति निकलती है वही स्नान है, और निरावरण देवता की जो ज्योति है स्वर्णमयी वही उनका वस्त्र है, नारायण वही पिता मात्र और नारायण यज्ञोपवीत है, मानसिक सेवा में भगवान को यज्ञोपवीत भी देते हैं, चंदन है और तिलक है, तुलसी है, धूप है, दीप है, नैवेद्य है, उसके बाद आचमन है, मुख बात है, विश्राम है, नारायण गाना है, बजाना है, नाचना है, भगवान के पांव दबाना है, पंखा झलना है और प्रदक्षिणा करनी है, ये पहले बाहर पूजा करके सीख दिया जाता है, तब मानसिक सेवा की जाती है, जो लोग भाई अभी तो कौन कौन लावे चंदन विषय आदमी शरीर के और थोड़े में उनकी आसक्ति, जब पुत्र कृष्णव देकर गाजी सक्षम है तो कम नारायण, जब तक शरीर में जो आसक्ति है वो छोड़ के सादगी नहीं लाओगे, इसको तो शंकरानंद जी ने तो इसको बहुत दूर तक पहुंचा दिया, उसमें तो मूर्ति का भी उल्लेख कर दिया है, जब तो कृष्ण उदय कृष्ण का भी सत्युकम अतत्वार सुमरा, ये शरीर में जो प्रमाद है ये धर्मानुष्ठान से जाए, गुरु सेवा से जाए, भगवत सेवा से जाए, पहले अपने जीवन में जो तमोगुण है, प्रमाद